वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने कल की क्लास में सिसोदिया वंश पूरा समाप्त कर लिया था। सिसोदिया कौन सा वंश था? मेवाड़ यानी गुहिल वंश। हम वो सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नया वंश यानी राठौर डायनेस्टी, मतलब राठौर वंश। अब राठौर वंश जैसे सिसोदिया जो थे वो कहाँ के थे? वो मेवाड़ के थे। राठौर कहाँ के होंगे? राठौर होंगे मारवाड़ के। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? राठौर वंश यानी मारवाड़ के राठौर। पहले हम ये देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मारवाड़ में कौन कौन सा एरिया आता है, और इसका पहला राजा कौन था, मतलब पहला संस्थापक कौन था जिसने राजस्थान में राठौर वंश की स्थापना करी। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राठौर डायनेस्टी कहाँ कहाँ पे थी राजस्थान के अंदर। सबसे पहले तो मारवाड़। कहाँ था? मारवाड़। मारवाड़ यानी जोधपुर। कहाँ पे थे? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। कहाँ कहाँ पे थे? मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। कहाँ कहाँ पे थे? ऐसे तो बहुत ज्यादा जगह थे, पर हम मेन अभी इसमें ये पढ़ेंगे। तो कहाँ कहाँ पढ़ेंगे? मेन जो सबसे बड़ी जो शाखा होगी तो वो कौन सी होगी? मारवाड़ में यानी जोधपुर में। तो वो कौन सी शाखा? जोधपुर में। अब बहुत से जो इतिहासकार हैं अपना अलग अलग मत देते हैं कि राजस्थान में राठौर कहाँ से आए थे। कोई कहते हैं साउथ इंडिया से आए थे, कोई कहते हैं यूपी से आते हैं, पर अब इन दोनों में टसन चली। ये दोनों मिलके कभी भी एक डिसीजन पे नहीं आ पाए ये कहाँ से आए थे। और जो तीसरा पक्ष है वो कुछ अलग ही मानता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले कहाँ से आए, तो इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, राठौरों का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है। तो पहला, अब पहले जो थोड़े से इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये कन्नौज से आए थे। कहाँ से आए थे? कन्नौज से। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब कुछ जो जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं ये साउथ इंडिया से आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ इंडिया से आए थे। अब साउथ इंडिया में भी कहाँ का? साउथ इंडिया में आए थे। तो अब ये साउथ इंडिया के कौन से ब्रांच थी? तो ये मानते हैं कि साउथ इंडिया के ये राष्ट्रकूट थे। ये राष्ट्रकूट थे साउथ इंडिया के। यहाँ से एक कोई एक बंदा आके राजस्थान में आ गया था, ठीक है। अभी कन्नौज वाले कौन थे? कन्नौज वाले थे गहरवाल। कौन सी डायनेस्टी थी? गहरवाल डायनेस्टी थी। कहाँ पे? कन्नौज में। अब ये सोच, कुछ जो इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से एक बंदा राजस्थान चला गया, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से एक बंदा जाके राजस्थान चला गया, और कुछ मानते हैं कि पहले तो ये राष्ट्रकूट थे। कहाँ पे थे? साउथ इंडिया में। पहले तो ये राष्ट्रकूट थे, फिर ये वहां से कहाँ गए? कन्नौज आ गए। कन्नौज में आके ये क्या बन गए? ये गहरवाल बन गए। फिर यहाँ से ये राजस्थान चल गए, और वहां से क्या बन गए? राठौर बन गए। तीसरा मत ये मानता, पर हमें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आए थे, कौन थे, ये सब कुछ भी नहीं। प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि राठौर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिर उसमें ऑप्शन में आ जाएगा साउथ इंडिया राष्ट्रकूट या कन्नौज यूपी। ये दोनों साथ में कभी नहीं आएगा, एक आएगा। इन दोनों में से कुछ भी आपको दिखे उस पर टिक मार देना, हमको ज्यादा सोच नहीं है। सीधा क्या मानना है? टिक मानना है। राष्ट्रकूट आएगा वो भी सही है, और गढ़वाल आएगा वो भी सही है, कन्नौज भी सही है, साउथ इंडिया भी सही है। इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस ये दोनों याद कर लो। क्वेश्चन में ये दोनों में से एक भी दिख जाए टिक कर दो, और आपका आंसर हो जाएगा सही। अब ठीक है, अब जो इसका पहला राजा था जो कहाँ आया था? मारवाड़ आया था, यानी जिसने राठौर वंश की स्थापना करी थी, उसको उसका क्या नाम था? राहुल सिया। क्या नाम था? राहुल सिया। क्या नाम था? राहुल सिया। अभी राहुल सिया कौन था? राहुल सिया डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आए थे। कहाँ पे नहीं आए थे? सीधे के सीधे आके उन्होंने स्थापना नहीं करी थी, इनको लेके लेने गए थे कुछ लोग। वो कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण कौन हुआ करते थे उस टाइम पे? पालीवाल ब्राह्मण अपना व्यापार करा करते थे, इधर से उधर जाके अपने सामान बेचा करते थे और अपना अपना व्यापार करा करते थे। पर
उनके वहां पे कोई राजा नहीं था, तो उनको हमेशा डर रहता था लूटपाट का, उनकी रक्षा कौन करेगा, तो वहां पे कोई राजा नहीं था। तो वो जाते हैं कन्नौज, कन्नौज प्रॉपर कन्नौज से नहीं थे ये, कन्नौज में एक जगह पर थी बदायूं, वहां से थे ये, और बदायूं में कहाँ पे पड़ता, यूपी में, तो ये वहां से थे। अब वहां पे जाते हैं, वहां के राजा से बोलते हैं कि हमारे जो एरिया है, पालीवाल ब्राह्मण कहाँ के थे, पाली के, पाली में कोई राजा नहीं है, तो हमें टैक्स भी तो हम दे देंगे, लेकिन हमें ऐसा बंदा दो जो हमारी रक्षा कर पाए। तो वहां के राजा ने किसको भेजा था, राव सिया को भेजा था। किसको भेजा था, राव सिया को भेजा था। तो इसका पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे, कहानी में आपको पहले बता दूं, फिर बताऊंगी लास्ट में कहानी। कहानी बहुत इसकी इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन केम टू मारवाड़, केम टू मारवाड़। कौन आया था मारवाड़ सबसे पहले, राउसिया। अब ये कब आए थे, ये भी हम देखते हैं। 1240 AD, कितना, 1240 AD में ये हेल्प करने आए थे। किसकी हेल्प, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मणों की मदद करने आए थे। कहाँ पे आ गए थे, पालीवाल ब्राह्मणों की हेल्प करने ये मारवाड़ आ गए थे। अब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने खेड़ पे आक्रमण किया, खेड़ एक जगह थी, वहां पे आक्रमण किया, पाली में एक जगह पड़ती खेड़, वहां पे उन्होंने आक्रमण किया और अपनी उसको राजधानी भी बनाया था जीत के। तो कैपिटल किसको बनाया था, खेड़, किसको बनाया था, खेड़। इसके बाद में ये वहीं रहे, इन्होंने अपना राज काज अच्छा संभाला। फिर खेड़ के वहीं पे एक युद्ध हो रहा था गायों की रक्षा के लिए, तो वो उसमें लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और उनकी छतरी कहाँ बनती है, मतलब सेनेट है। खेड़ के पास में एक जगह बिट्ठू, वहां पे ही इनकी क्या बनती है, छतरी बन जाती है। कहाँ पे बनती है, बिट्ठू में। अपने कैपिटल क्या बनाते हैं, ये खेड़ को बनाते हैं। ये मारवाड़ किसकी हेल्प करने के लिए आए थे, पालीवाल ब्राह्मणों के आए थे। कब आए थे, 1240 में। पहले पर्सन थे ये जो मारवाड़ आए थे, कौन, राउसिया। अब हम देखते हैं इनकी कहानी। तो इनके जो पापा थे उनका क्या नाम था, सेतराम जी। क्या नाम था, सेतराम। ये कन्नौज के, मतलब वहां, सॉरी, यूपी के, ये वहां के राजा थे। इनके 100 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे। और जो सिया जी थे वो उनके बच्चे थे। इनके 100 बच्चे थे जिसमें से सिया उनके बच्चे थे। अब सिया के लिए एक लाइन बोली जाती है, गुंचा सा सिया बड़ा 50। क्या, गुंचा सा सिया बड़ा 50, मतलब गुंचा गुंचा से तो सिया बड़ा है और 50 से छोटा है। अब तो बताओ कि सिया कौन से नंबर पे है, तो क्या 51 नंबर पे आते, 51 नंबर के बेटे थे ये सेतराम जी के। कितने, 51। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले कोई वॉच वगैरह तो हुआ नहीं करती, तो इनके बच्चा हुआ सेतराम जी के। पहले क्या हुआ करते, जो दाइयां होती थी उन पे उनका ये काम होता था कि जैसे ही बच्चा हुआ तो जहां पे सूरज की यहाँ रोशनी पड़ रही है, तो जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी, मान लीजिए इस टाइम सूरज की रोशनी यहाँ है और इस टाइम बच्चा पैदा हुआ, तो यहाँ पे वो लाइन खींच दिया करती थी कि इसे जो पंडित होते थे वो देख के बता देते कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, ये इनके आगे फ्यूचर में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो पंडित जी देख के बता दिया करते। अब पर क्या हुआ बात, जैसे सिया पैदा हुए दाई भूल गई लाइन खींचना, थोड़ी देर बाद उसको याद आई और लाइन तो खींची नहीं, तो फिर उन्होंने उसे वापस भी खींच देते, तो उन्होंने यहाँ पे लाइन खींच दी। पहले तो वो यहाँ पे हुए थे पर लाइन उन्होंने यहाँ खींच दी। यहाँ पे खींचने के बाद पंडित जी आए, पंडित जी ने लाइन देखते हुए बोले, अगर इस बच्चे की जो शक्ल है ये बाप देख लेगा तो बाप भागे हाथों आगे मिलते उसे। तो सेतराम सच्ची, तो क्या कोई बात नहीं, देख अपने कमी तो है नहीं और ना कमी होगी। तो सेतराम जी ने जल्लादों को बुलाया,
जल्लादों को बुलाने के बाद, वो 1-2 घंटे का बच्चा था, 1-2 घंटे हुए थे उस बच्चे को, 1 दिन का भी नहीं हुआ था बच्चा, बच्चा दिया जिसको जंगल में ले जाके मार दो। अब जो जल्लाद थे वो ले गए, पर अब छोटा बच्चा 1-1 घंटे का भी नहीं हुआ था वो, तो जो जल्लाद थे उनके मन में भी ना सॉफ्ट कॉर्नर आ गया कि यार अब इतने से बच्चे को कैसे मारे। तो उन्होंने कहा अगर मार के नहीं गए तो राजा हमें मार देगा, क्योंकि हमें राजा की तो बात तो माननी पड़ेगी। तो ऐसी कहानियां कहती है कि वो बच्चे को वो वहां पे शेरनी की गुफा थी, शेरनी की गुफा में फेंक के आ गए। और इस कहानियों में ये बोला जाता है कि उसी दिन शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया था, मतलब अपने बच्चे को जन्म दिया था। तो वो बच्चे को जब फेंकते हैं तो बच्चा गुलामंडी खा खा के शेरनी के पास पहुंच जाता है, और शेरनी उस टाइम सो रही होती है। शेरनी जैसे ही जगती है शेरनी को लगता है मेरे 2 बच्चे, तो वो दोनों को इक्वली प्यार देती है और इक्वली पालती है। तो जो राव सिया थे उनको भी वो अपने बच्चे की तरह पालती है, यानी शेर की तरह पालती है। तो जैसे जैसे टाइम बीता वो बड़े हुए वो चलते भी ऐसे ही चारों हाथों से, मतलब 2 पैर अपने हाथ को पैर बना के चलते, कपड़े अपड़े नहीं पहनते, जिंदाबाद घूमते हैं, पूरे शरीर में बाल बाल हो रखे, चिल्लाना खोकाना, क्योंकि जो शेर करेगा वो करते थे, वो पूरे शेर बन चुके थे, इंसानों वाले लक्षण ही नहीं था उनमें। अब भाई ठीक है, अब एक टाइम क्या हुआ, यही पालीवाल ब्राह्मण वहां से जा रहे थे, तो वो एक दृश्य देखते हैं जिसमें 5 शेर लड़ रहे होते हैं। कितने? 5 शेर, जिसमें से एक शेर इंसान होता है, लेकिन उसमें इंसानों वाली कोई बात नहीं होती, वो बिल्कुल शेरों की तरह लड़ रहा होता है। वैसे ही वो चारों चारों अपने हाथों पैर को यूज करके अपने पैर बना के चल रहा होता है, वैसे ही पंजे मार रहा होता है, वैसे ही खुखार रहा होता है, और वो चारों शेरों पे हावी पड़ जाता है, शेरों को भगाता है पीछे पीछे। वो बहुत बुरी तरीके से लड़ता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से लड़ता है, शेरों की तरह लड़ता है। तो वो देखते हैं यार ये क्या, अब वो कहते हैं अगर अपन उसके पास गए तो ये अपन को मार डालेगा, इसलिए यहाँ से निकलो। उन्होंने चप्पल हाथ में लिया, भागे सीधे गए सेतराम जी के पास। सेतराम जी वहां कहना चाहते कि हमने आपके जंगलों में एक ऐसा दृश्य देखा है कि वो कल्पना के परे है, ऐसा क्या देख लिया तुमने? कि हमने ये देखा कि 5 शेरों की लड़ाई हो रही थी जिसमें से एक आदमी था। तो सेतराम जी, सुबह सुबह नहीं मिला तुमको, पागल बनाने के लिए? अरे नहीं, हम सच्ची कह रहे हैं। तो वहीं पर जल्ला गया, वही जल्ला जो बच्चे को शेरनी गुफा में फेंक के आया था। वो कहता अगर आप बुरा नहीं, मतलब हमको सजा नहीं दो, माफ करो, तो एक बात बताऊं मैं आपको? तो सेवराम जी कहते सात खून माफ। तो कहते हैं ये हो ना हो, ये वही बच्चा है कि कौन सा बच्चा? वो 51 नंबर वाला, क्या आपने बोला था ना मारे ना, पर हम मार के नहीं आते, हम उसको शेरनी गुफा में फेंके आए थे, या हो ना हो ये वही बच्चा है जिसको हम फेंक के आए। ये बात सुनते सेवराम जी के बाप का काल जाता। तो कहते अरे यार हमारा बच्चा शेरों के साथ पल रहा है, ये तो गलत बात है। तो वो अपनी कुछ लोगों को भेजते हैं कि जाओ पकड़ के लाओ, क्योंकि वो ऐसा तो आने वाला नहीं था, वो तो शेर बन गया था। तो उन्होंने माँ बाप ने सेना भेजी थोड़ी सी, उनको बेहोश होश क्या होगा, ऐसा तो आने से रहे, बेहोश होश करके पकड़ के लेके आए। अब पकड़ के चलाए वो उन मसाले लक्कन, वही खुखियाना, वही झपट्टा मारना, जिंदाबाद घूमना, कच्चा मांस खाना। अब सीता मैंने पहले इसको ना मिनक वाली चीजें सिखाओ, ये तू क्या जिंदाबाद घूमता रहता है, कपड़े पहन, बाल बाल काटो, दांत वांत घिसो, अच्छी तरह इंसानों जैसे बनाओ उसको, ये कच्चा मांस क्यों खाता है? रोस्टेड नाम की चीज होती है, अलग अलग वैरायटी के रोस्टेड बनते हैं, कच्चा मांस नहीं खाना होता। तो खाना वाना सिखाया जाता है, फिर वो इंसान बनता है, फिर अपने पास में बिठाते हैं वो। फिर पालीवाल ब्राह्मण थोड़े दिन बाद वापस आते हैं और कहते हैं हमने आपको वो बात बताई थी ना कि ऐसे ऐसे, तो आप उसने उसका आपने क्या किया? कह रहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी वजह से मेरा बेटा मिल गया। क्या अच्छा आपका बेटा है? बोला हाँ। क्या बोलो आपको क्या चाहिए? अब जो मांगोगे मैं आपको देता हूँ। तो कि हमारा जो इलाका है वहां पे हमें एक राजा चाहिए जो हमारी रक्षा करता है, टैक्स वगैरह हम सब दे देंगे पर वो हमारी रक्षा करता है। तो कहे हाँ मेरे तो मनमान बेटे हैं, जिसको भी लेना हो ले जाओ। कि ना ना मनमान बैठे, वो पास वाला, जो पास वाला यानी रावसिया। तो रावसिया को वो लेके चल जाते हैं, तो कौन जाता है? रावसिया जाते हैं। उस टाइम रावसिया जब वहां पे गए थे तो वो 8 बीसी घुड़सवार लेके गए थे,
8 BC मतलब 20 8 बार, यानी 160 घुड़सवार। पहले लोगों को गिनती 20 तक ही आया करती थी, तो वो 20 7 BC, 6 BC, 8 BC, 9 BC, यानी 9 को 20 बार, सॉरी 20 को 9 बार, 7 को 20 बार, ऐसे करके ये अपना अंदाजा लगाए करते थे। तो कितने घुड़सवार को ले गए थे? 8 BC घुड़सवारों को लेके कहाँ गए थे? खेड़ गए थे। फिर खेड़ को अपनी राजधानी बनाई थी किन्हें? राउसिया ने। अब यही हो जाता है, फिर वो वहां के राजा बन जाते हैं, फिर खेड़ में अपनी राजधानी बना लेते हैं, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? बिट्ठू में, और वहीं पे उनकी छतरी बन जाती है। अब थोड़े दिन के बाद, बहुत टाइम के बाद, एक फॉरेनर बंदा था, वो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है उसमें रह के गया था 3 साल। कौन? रुडियार्ड टिपलिंग। कौन? रुडियार्ड टिपलिंग। वो कहाँ रह के गया था? मेहरानगढ़ के किले में रह के गया था, 3 साल रह के गया। अब मानो ना मानो, उन्होंने थोड़े दिन बाद जाके एक किताब लिखी जो वर्ल्ड फेमस हो गई। उसको नोबेल पुरस्कार मिला गया पहले साहित्य को। किसको? वो किताब का नाम क्या था? दी जंगल बुक, जंगल बुक के नाम की किताब थी। उसमें भी यही कैरेक्टर था कि जो बच्चा था वो उसको गुफा में भेज जाते हैं छोटा सा, फिर वो जानवरों के साथ रहता है, बड़ा होता है, उसके लक्षण सारे जानवरों वाले होते हैं, सेम चीज। अब ये कैसे हो सकता है कि वो वहां पे रह के गया, और जोधपुर के मेहरान जो गढ़ है वहां पे बाकायदा पेंटिंग लगी हुई है जिसमें 5 शेरों की लड़ाई हो रही है, और एक एक जो शेर है वो इंसान है। तो रुडियार्ड टिपलिंग ने वो पेंटिंग देखी होगी और वहां पे पूछा होगा कि ये कौन है और ये जिंदाबाद होकर लड़ रहा है, और ये है तो इंसान, ये तो 5 शेरों के जैसे कहला, क्या आप इनको नहीं जानते? क्या हमारे सिया जी हैं? क्या आपके सिया जी ऐसे जिंदाबाद होते? हाँ, ये इनके साथ ही रहे थे। तो उसने किताब लिखी, उस पर अभी हम मूवी भी देखते हैं, दी जंगल बुक। बचपन से आप मोगली नामक कैरेक्टर को जानते हैं? कौन सा कैरेक्टर है वो? मोगली। मोगली नाम तो सब जानते हैं। तो वो किसने लिखी थी? रुडियार्ड डिपलिंग। तो कहीं ना कहीं वो राउसिया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 3 साल बंदा उस महल में रह के गया और उसने वो पेंटिंग देखी, उसके बाद में जाके उसने किताब लिखी है दी जंगल बुक। तो हो ना हो, वो किताब मतलब वो जो लिख कहानी लिखी गई है वो राउसिया पे आधारित है। आपने खमे सुनी होगी, जंगल जंगल बात चला है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, सब जानते हैं मोगली वाली कहानी। तो किसने लिखी थी वो? रुडियार्ड डुप्लिन। नाना करते हुए भी वो राउसिया की ही एक उनकी फोटो से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके वो कहानी बनाई गई थी। तो हमें आज क्या देखा? राउसिया। सिया उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो शेरों के साथ रहे थे। किसके साथ रहे थे? शेरों के साथ। इसलिए उनकी एक लाइन है, सिया 49 सा सियो बड़ो, सियो बड़ो 50। तो मतलब 49 से तो सिया बड़ा है और 50 से छोटा है। तो सिया जो थे 51 नंबर के बेटे थे, किसके? सेतराम जी के। अब हम कल देखेंगे इसके आगे के राजा, आज हमने क्या देखा? राउसिया। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट।